राजस्थान में गरजे अमित शाह, मंच से कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। राम मंदिर को लेकर बोल दी कैसी बड़ी बात। जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जो संभाल कर रखो जनवरी महीने में वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वही भव्य राम मंदिर बनने वाला है। एक घमंडिया गठबंधन रोक नहीं सकता, इंडिया अलायंस कांग्रेस उसको रोक नहीं सकते। अरे बहुत रोक लिया आपने, जितना रोकना था वो रोक लिया। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, आप इसको रोक नहीं सकते। ये घमंडिया गठबंधन जो है, ये इंडी अलायंस जो है, उसने उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। आजादी के 75 साल हो गए, रामलल्ला टेंट में बैठे थे, मोदी जी को दोबारा आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कोर्ट से जजमेंट आया और मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मैं आज आपको कहने आया हूं, जनवरी महीने में जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जो संभाल कर रखो जनवरी महीने में वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वही भव्य राम मंदिर बनने वाला है। एक घमंडिया गठबंधन रोक नहीं सकता, इंडिया अलायंस कांग्रेस उसको रोक नहीं सकते। अरे बहुत रोक लिया आपने, जितना रोकना था वो रोक लिया। अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, आप इसको रोक नहीं सकते। माताओं बहनों भाइयों, मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस सरकार, इंडिया अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को बचाए हुई थी। आपने 25 की 25 सीटें दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाकर अर्थतंत्र का फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। और यहां पर ये जो सरकार है ये मोदी जी को काम नहीं करने दे रही। आप मुझे बताओ, मोदी जी का साथ दे ऐसी भाजपा सरकार लाओगे क्या? जोर से सारे लोग बोले, भाजपा सरकार लाओगे?